डियर स्टूडेंट, हमने अभी लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि अगर हम गैलोनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना चाहें जिसकी रेंज 10 मिली एम्पियर है तो कैलकुलेटेड वैल्यू 6.38 ओम आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने जब रेजिस्टेंस बॉक्स में 6 ओम निकाला तब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट नहीं था, लेकिन 7 ओम निकालते ही वो कंप्लीट इस तरफ चला गया। इसका मतलब अगर हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट था उसमें डेसिमल के रेजिस्टेंस नहीं थे, अगर उसमें डेसिमल के रेजिस्टेंस होते तो एग्जैक्ट 6.38 पर वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता। तो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स से अप्रोक्सीमेशन जो आया वो 7 ओम है और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 6.38 ओम है। इसी एक्सपेरिमेंट में जब हमने देखा कि हमें 30 मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो रेजिस्टेंस बॉक्स में से 3 ओम निकालने पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन से ज्यादा आ गया और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू लगभग 2.04 ओम थी। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमें रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह पर एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर भी प्रोवाइड किया जा सकता है, अगर हमें वो प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है और हमें शंट की जगह वो वायर प्रोवाइड करेंगे तो उस वायर की रेजिस्टिविटी पहले से गिवन होगी। ठीक है, और उसकी लेंथ हम एक टर्मिनल पे उसको फिक्स कर लेंगे गैलोनोमीटर के और दूसरे टर्मिनल पर लेंथ को चेंज करके देखेंगे कि किस लेंथ पर गैलोनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लेंथ भी मेजर कर दी और उसकी रेडियस निकालने के लिए हम स्क्रू गेज का यूज लेंगे। तो बाय नोइंग इट्स रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड रेडियस, हम वायर देने पर भी उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह हमारा ये कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर इनटू एमीटर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे।